जन सरोकार मंच टोंक के इस काव्य पाठ कार्यक्रम में मैं डॉक्टर उषा दशोरा अपने कुछ कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविताएं जो हैं मेरे लिए कविताएं, मेरा ये मानना है कि मेरे लिए कविता जो है वो अनुशासनहीन विद्यार्थी की तरह है। एक अध्यापन के क्षेत्र से काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहने के कारण मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि इतिहास तो लास्ट बेंच पर बैठने वाले जो हैं छात्र ही बनाते हैं, और मेरा विशेष लगाव रहा है उन बच्चों के साथ जो कि अंतिम बेंच पर बैठकर ऐसी विचारधारा कई बार मेरे सामने रखते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये बच्चे उपेक्षित क्यों रहते हैं केवल अंक की वजह से ही। और यही कारण है कि ये सारा जो भाव है ये समेट कर मेरी कविताओं में आया है, और इन कविताओं को मैंने अक्सर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कविताओं को आप अनुशासनहीन विद्यार्थी क्यों कहती हो। तो मेरा मानना है कि जितनी पुरानी परिपाटियां हैं, जितने पुराने परिभाषाएं हैं, अगर उनको तोड़ने का काम आज तक किसी ने किया है तो वो जो है वो अनुशासनहीन लोगों ने ही किया है। हालांकि हम उनको अनुशासनहीन कहते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि नवीनता जितनी भी हमारे सामने लेकर आते हैं, पहले वो लोग अनुशासनहीन ही कहलाते हैं। इसलिए ये प्रश्न मेरे से बहुत बार पूछा जाता रहा है, इसका यही उत्तर है। इसके अलावा मैं अपनी कुछ कविताओं को प्रारंभ करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि एक लंबे समय तक कविता लिखने के कारण स्कूल और कॉलेज में जब मैं उदयपुर में रहती थी वहाँ से मैंने अपने स्कूल और कॉलेज किया है, और वहाँ से मैंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया। लेकिन बहुत अंतर्मुखी रहने के कारण मैं कभी भी किसी गोष्ठियों में, ये प्रश्न भी मुझसे कई बार पूछा जाता रहा है कि कभी भी किसी काव्य गोष्ठी में या कहीं कहीं प्रकाशित नहीं आई। से मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई बार व्यक्ति लिखता रहता है, बहुत लंबी उसकी सृजन यात्रा रहती है, कई लोग ऐसे होते हैं लेकिन वो सामने नहीं आते हैं, जानबूझ के नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि जैसा मुझे महसूस होता है कि कविता लिखना मुझे अपने आप से बातें करना लगता है। मुझे लगता है कि कविता लिखने से मैं अपने आप से जुड़ रही हूँ, और इस वक्त की सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम जुड़ तो रहे हैं लेकिन दूसरों के साथ, अपने साथ हमारा कोई भी जुड़ाव नहीं है, कोई भी लगाव नहीं है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़, एक और जो एक मुझे महसूस होती है वो ये होती है कि एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि लोग बहुत कविताएं लिख रहे हैं, बहुत लिख रहे हैं। मैं फेसबुक की, अपने आप को फेसबुक की कवि मानती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी मित्र जो हैं उन्होंने ही मुझे धक्का दिया, मीठा धक्का दिया कि तुम्हें कभी तो बाहर लिखना आना होगा या अपनी चीज़ों को बताना होगा। तो मैंने उसका माध्यम फेसबुक चुना क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर जाने में नहीं जा पाई। तो फेसबुक पर आने के बाद मुझे जो कविताएं मैं लिखती थी, तो बोधि प्रकाशन जयपुर में माया मृग सर ने एक बार लॉकडाउन में ही एक मैसेज डाला था कि पोस्ट डाली कि कविताओं का चयन होता है दीपक अरोड़ा प्रकाशन के तहत। तो मैंने उनको मेल भेज दी, अपनी 75 कविताएं मैंने उनको भेजी, और मुझे लगा कि ठीक है भेजनी चाहिए। तो 2 महीने बाद उनका मेरे पास ये संदेश आता है मेल पर कि आपकी कविताएं जो हैं पुस्तक के रूप में चयनित कर ली जाती हैं, कर ली गई हैं, और बहुत ही वरिष्ठ राजा राम बहादुर सर, कैलाश मनहर सर और अजंता देव मैम जो हैं वो उन्होंने आपकी कविताएं देखी हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ के लिए। क्योंकि मैंने सिर्फ यही सुना था कि कविताओं के लिए आपको जान पहचान चाहिए, जो भी XYZ जो भी है, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी एक ये पुस्तक जो मेरी प्रथम काव्य संग्रह है, भाषा के सरनेम नहीं होते, यहाँ पर उल्टा दिखाई देगा, भाषा के सरनेम नहीं होते, ये कविता जो कविता संग्रह है जो प्रथम अभी सामने आया है, इस कविता संग्रह के लिए मैं माया मृग सर का हमेशा
धन्यवाद दूंगी। और बड़े आपको जानकर एक ताजुब भी होगा कि माया मृग सर को मैंने फेसबुक पर ही देखा था, मेरा कोई भी उनसे परिचय नहीं था, जबकि जयपुर में रहते हुए मुझे 15 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ के एक सुप्रतिष्ठित CBSE स्कूल में मैं हिंदी की विभाग अध्यक्ष हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उनके किसी के संपर्क में आई हूँ या किसी से मैं मिली हूँ। अपना काम मैं कविताओं का लिखती रही। मैं अपनी कविता शुरू करना चाहूँगी, एक कविता जो है वो मैं प्रारंभ कर रही हूँ, अनुशासनहीन। इस काव्य संग्रह का ये पहली कविता है, अनुशासनहीन। ये शब्द मुझे अपने आप में बहुत प्रिय है। ये शब्द जो है मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपने आप में एक संग्रह है। सुनिएगा। अपहरण किए जाने वाले फूलों को बचाने वाली चिंखुरियां अनुशासनहीन घोषित होती हैं। इन वीरांगनाओं को मिलती है धरती की सबसे भद्दी गाली। पिता के पुराने स्कूटर को गेंद बनाकर 10.5 मीटर उछालने वाला लड़का अनुशासनहीन घोषित होता है। उसको मिलता है किसी नालायक के खिताब की फटी जेब का खाली हिस्सा। कहां लिखा था कि रोटी का समाजशास्त्र गोल ही होगा, पर गरम तवे पर झुकने से पहले गोल नहीं होने के जुर्म में रोटी अनुशासनहीन घोषित होती है। उसे मिलती है 3rd डिवीजन वाली रिपोर्ट कार्ड। एक पके फल में लटकी मेरी कविता न्यूटन के विरुद्ध शोध ग्रंथ छापती है और उड़ जाती है आकाश में। ये कविता अनुशासनहीन विद्यार्थी घोषित होती है। उसे मिलता है कक्षा से बाहर खड़े होने का पारंपरिक दंड। अनुशासनहीनता नई ध्वनियों की जुलाहे हैं, जिनकी पीठ पर 1000 वर्षों से नीले निशान हैं। मुझे लगता है कि ये कविता बहुत कुछ कहने में मुझे बहुत पसंद है और अपना सामर्थ्य रखती है कि जिसने पहली बार कहा था कि दुनिया गोल है, लोगों ने उसे पागल घोषित किया। पहली बार जब कुकर प्रेशर हमारे घर में आया तो निश्चित रूप से हमारे घर के जो बुजुर्ग थे उन्होंने इसका विरोध किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहली बार आती हैं, उसे अनुशासनहीन घोषित किया जाता है और मुझे लगता है कि उनका विरोध होता है, लेकिन नवीनता तभी आती है जब हम इन अनुशासनहीन चीज़ों को भी स्वीकार करते हैं। एक क्योंकि ये बहुत लंबे अंतराल तक शिक्षक रहने के कारण, लंबे समय तक शिक्षक रहने के कारण ये शब्द जो है अनुशासनहीन मेरी जबान पर है और मेरा इससे बहुत लंबा जुड़ाव है, शायद इससे भी ये मुझे पसंद है। एक और कविता जो कि मैं सुनाना चाहूँगी, उससे पहले मुझे लगता है कि बहुत लोग कविता लिख रहे हैं, मैंने बात वहाँ पर अधूरी छोड़ी थी कि बहुत लोग कविता लिख रहे हैं। ऐसा बार बार प्रश्न उठता जा रहा है कि इतने लोग कविता लिख रहे हैं, पढ़ने वाला कौन है, क्या है। ऐसा नहीं है, कविताएं लिखती चलती चली जानी चाहिए। 130 करोड़ की जनसंख्या में अभी तो बहुत कम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हमारा लिखना छूट गया उस दिन जितने भी टेक्नोलॉजी है आप उठाकर देख लीजिए, हम अपने ही घर में बात करते हैं या आप और मैं ही, वो हमें पूरी तरह से अब हमारे अपने चारों ओर जकड़ लेगी। तो निश्चित रूप से मुझे ये महसूस होता है कि हमको लिखते रहना चाहिए, और अभी तो बहुत कम लिखा गया है। एक चीज़ मुझे और भी लगती है, किसी से चर्चा करते समय बहुत एक प्राध्यापक ही हैं, वो प्राध्यापक हैं, उनसे ही चर्चा करते हुए बात चल रही थी, तो मैंने उनसे यही कहा कि जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं भारत के, महान पौराणिक ग्रंथ हैं, उन्हें पुनर्शोध की ज़रूरत है। पुनर्शोध की ज़रूरत इसलिए भी है, काव्य के माध्यम से कहो, चाहे वह लेखनी के माध्यम से कहो, चाहे वो कहानियों या उपन्यास के माध्यम से कहो, क्योंकि जितने भी समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे जो पौराणिक चीज़ें होती है, पुरानी जो चीज़ें होती हैं, उनको भी बदलाव की आवश्यकता होती है। मुझे बार बार महसूस होता है, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, जो भी हैं, आप अगर जिस खेप की हम बात कर रहे हैं, जब नवयुवकों की बात कर रहे हैं, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों के साथ मैं 15 साल से काम कर रही हूँ, मुझे महसूस होता है कि वो चीज़ तो पढ़ना चाहते हैं पौराणिक ग्रंथों को, लेकिन नए तरीके से जानना चाहते हैं उनको, नया एंगल उनका देखना चाहते हैं। और हम अगर उनको इस वक्त कहें कि भगवद गीता पढ़ो,
तो वो उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे लगता है उसको किसी न किसी रूप में एक पुनर्शोध की जरूरत है, जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, चाहे वो काव्य के माध्यम से हो, चाहे वह गद्य या पद्य किसी भी माध्यम से हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक अध्यापक के रूप में मैंने जो नव पीढ़ी है उसके उसमें ये महसूस किया है। इसके साथ ही मैं युद्ध जो है उस पर बात करूंगी। मुझे लगता है कि युद्ध एक ऐसी समस्या है, चाहे वह किसी भी देश में हो रहा हो, विश्व के किसी भी कोने में हो रहा है, वो युद्ध जो है वो हमेशा घातक रहेगा। ये कविता जो मुझे बहुत पसंद है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। युद्ध और बच्चे। जब युद्ध की घोषणा हुई तब हंसते हुए बच्चे फूल वाले पौधों को पानी दे रहे थे। उनकी हंसी के भार से डरी हुई बंदूकें पौधों के पीठ पर जा बैठी, पौधों के पीठ के पीछे जा छुपी। उनमें फूल होने की जिद होने लगी, जिद थी कि देह पर फूटे मीठी गंध, जिद थी कि बस फूल खिले माथे पर। दुनिया की समस्त बंदूकें, दुनिया की समस्त बंदूकें फूल बन जाएं, इस उम्मीद की मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी सींचने हैं बच्चों को धरती के सारे फूल। तो मुझे लगता है कि युद्ध जो है उससे ज्यादा जरूरी है धरती पर फूल खिलाना, और इस पर बहुत कुछ लिखा भी गया है। लेकिन मुझे एक चीज और इस चीज की भी समस्या है कि हम जो समस्या तो नहीं कह सकते, मैं अपनी विचारधारा को यहाँ पर रख रही हूँ, अगर आप सहमत असहमत होना ये एक अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें, पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो युद्ध के संबंध में हो, लियो टॉलस्टॉय का युद्ध और जो शांति है, वॉर एंड पीस, वो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा जो भी पढ़ने लिखने के शौक रखते हैं, तो वो क्लासिक है। लेकिन नए तरीके से कैसे उसकी उस पर पुनर्वर्क हो या पुनर उस पर काम हो, ये ज़रूरी है। चाहे साहित्य केवल हमारे ही देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विश्व की बात साहित्य की यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि साहित्य का कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। और इसके अलावा एक और युद्ध के ऊपर है, युद्ध और बच्चे। एक मैं आपको सुनाई थी अभी, युद्ध और बच्चे, एक और युद्ध और बच्चे, इस कविता की ओर मैं बढ़ रही हूँ, सुनिएगा। आज ही युद्ध खत्म हुआ था और अब बारूद के कारखानों की अंतिम इच्छा थी कि वे खेल के मैदान बन जाएं। उनकी छाती पर दौड़ें असंख्य मुस्कराते बच्चे, छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई और हंसी। कैन यू हेल्प फॉर वॉच, बीच में रुक गया था, मैं वापस से इस कविता को प्रारंभ कर रही हूँ। युद्ध और बच्चे। आज ही युद्ध खत्म हुआ था और अब बारूद के कारखानों की अंतिम इच्छा थी कि वे खेल के मैदान बन जाएं। उनकी छाती पर दौड़ें असंख्य मुस्कराते बच्चे, छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई की हंसी उनके जले हुए काले फेफड़ों को सांस दे। बच्चों की हंसी बोधि वृक्ष है, उसकी जड़ों में मिट्टी होकर बारूद के कारखाने अबुद्ध होने की तीव्र इच्छा रखते हैं। युद्ध के समर्थकों सुनो, ऐसी महान इच्छाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि युद्ध और बच्चे, ये अगर विषय हम मेरा प्रिय विषय है, मुझे लगता है कि जितना चाहे सीरिया पे जब मैंने पढ़ा था कि वहाँ बच्चे जो हैं किस प्रकार से जो हैं वो शिक्षा विहीन, तो छोड़िए सांस लेने के लिए भी जीवित नहीं हैं, तो मुझे महसूस हुआ कि बच्चे कितनी तकलीफ़ में हैं और बच्चे जो हैं वो किस प्रकार से वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। अगर आप देखते हैं युद्ध के बारे में, विश्व के किसी भी राष्ट्र में अगर युद्ध के बारे में आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो नुकसान हमेशा मानवता को ही होता है, मानवता ही उसमें मारी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और कविता जो कि मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ, ईश्वर आत्महत्या नहीं कर सकता, ईश्वर आत्महत्या नहीं कर सकता, ये कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ।
सुनिएगा, ईश्वर आत्महत्या नहीं कर सकता। क्या मुझे पता होना चाहिए कि ये किस रंग का ईश्वर मेरे साथ एक रुपया घंटा किराए की साइकिल चलाते हुए अपनी कोहनी घुटने फोड़ लेता था? एक बदबूदार घोषणा पत्र में तुमने छापा, उनका ईश्वर आत्महत्या कर चुका है। फिर बाजार से उठाई नकली प्रार्थना की डुप्लीकेट आंखें और उनमें उगा दी अपने रंग की इमारत। उसके बाहर अपने पसंद के ईश्वर की नेम प्लेट टांगी। 1 किलो शक्कर तोलते हुए जितने दाने दुकानदार नीचे गिराता है, ईश्वर उन्हीं से अपना पेट भरता है। कुछ पेंसिल अ से अनार नहीं, पहले भूख लिखती है। फूलमाला और प्रसाद में 10 रुपए कर कम करवाने की बहस और जमाना कितना खराब है का रायता फैलाकर जब तुम ईश्वर से मांगते हो नौकरी में तरक्की, बेटे के ज्यादा मार्क्स और महंगी गाड़ी, उसी वक्त ईश्वर रेत में घर बनाते हुए अपनी गुम हुई चप्पल को ढूंढने के बाद दुनिया के फटे हुए जूतों की मरम्मत करने बैठ जाता है। धरती की देह को फोड़ कर बनाए गए सभी रंगों के प्रार्थना घर में ईश्वर शताब्दियों से अनुपस्थित है। धूप बत्ती की सुगंध, अगरबत्ती के कारखाने में काम करने वाले 10 साल के बच्चों के रोते हुए हाथ हैं जिनके साथ ईश्वर रोज टिफिन खाता है। हे समझदार, ईश्वर के घर का रंग अघोष झुनझुना है। मुझे लगता है कि ईश्वर की बात हम जब भी करते हैं तो हम उसकी इमारत की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस इमारत की हम बात करते हैं जाकर, जहाँ पूजा अर्चना हम करते हैं, उस इमारत में उस इमारत को तो ईश्वर कब का ही छोड़कर बाहर चला गया है और वो उन बच्चों के साथ घूम रहा है जो कचरों के डिब्बे से खाना निकाल रहे हैं या जो अगरबत्तियों के कारखानों में या जो चूड़ी के कारखानों में काम कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से है कि ईश्वर उन इमारतों में तो नहीं रहता जहाँ पर हम उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। इसके अलावा मैं फिर से अपनी कविता के अतिरिक्त एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, आपने ये कविता ज़रूर सुनी होगी क्योंकि ये कविता राजेश जोशी जी की कविता है और मेरे प्रिय कवि हैं, और इनकी ये कविता जो है मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बहुत सालों से मैंने ये कविता पढ़ा भी रही हूँ, CBSE में ये कविता सालों से चल रही है, और इसका उत्तर जो है, इसका जो एक तरफा संवाद है इस कविता का वो मैंने राजेश जोशी जी के लिए इस काव्य संग्रह में प्रस्तुत भी किया है। राजेश जोशी के लिए बच्चे आज भी काम पर जा रहे हैं। पहले मैं आपको राजेश जोशी जी की जो कविता है वो सुनाना चाहूँगी और उसके बाद मैं ये कविता राजेश जोशी जी के लिए जो मैंने एक तरफा संवाद लिखा है मैं उसे प्रस्तुत करना चाहूँगी। राजेश जोशी जी की लिखी हुई कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, और बहुत सालों पहले कविता लिखी गई थी और मुझे दुख इस चीज़ का है कि इतने सालों के बाद भी आज भी बच्चों की स्थिति उसी प्रकार से है जैसे कि पहले थी। हस्ब मामूल एक शब्द यहाँ पर वो प्रयोग कर रहे हैं, यथा स्थिति जो है बच्चों की उसी तरह से है जो पहले थी, और वही स्थिति मुझे आज भी दिखाई देती है क्योंकि एक सुबह 7 बजे उठ के जब मैं विद्यालय के लिए जाती हूँ अपने, तब रास्ते में मुझे ऐसे बच्चे मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे राजेश जोशी जी की कविता मेरी आंखों के साथ गुजर रही है। तो मैं उनकी कविता सुनाना चाहूँगी, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदे? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें?
क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, आज भी काम पर जा रहे हैं, आज भी काम पर जा रहे हैं। ये कविता हर समय प्रासंगिक है और हर समय मुझे जो है ऐसा लगता है कि रोज अपने वर्तमान को जो है, प्रतिदिन के जो वर्तमान को जो है प्रस्तुत करती है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण और भी है। मुझे ये महसूस होता है कि आप किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को अगर आप ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो एक उनकी राह जो है बहुत ही सकारात्मक होनी चाहिए और उनकी राह जो है बहुत ही पॉजिटिव तरीके से होनी चाहिए। अगर राष्ट्र के वो बच्चे काम कर रहे हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे तो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या पायलट हो गए हैं या पढ़े लिखे हैं या 5-स्टार स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर देश के एक हिमे के बच्चे, एक वर्ग के बच्चे अगर काम पर नहीं जाते हैं, काम करते हैं और विद्यालय नहीं जाते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो उनकी ज़रूरतें जो हैं 50 रुपये में पूरी हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी और उनके पास जब काम नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो क्या करेंगे, हम ये जानते हैं। और सारा खेल जो है वो जड़ों का ही है। जड़ें यही कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्र आगे की ओर बढ़े, तो बच्चे जो हैं देश के वो किस प्रकार से सकारात्मक होने चाहिए और किस प्रकार से शिक्षा की तरफ बढ़ने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे इसलिए भी ऐसा लगता है क्योंकि जिन नव जो युवा बच्चों के साथ एक लंबा समय में व्यतीत किया है मैंने, मेरा अक्सर उनसे प्रश्न में पूछती हूँ, ये उत्तर उन्हीं के हैं। कई बार हमारी जो व्यक्तित्व है वो आसपास की बातों से सुनकर बनता है, तो ये बच्चे जब मुझे बताते हैं, जो ये 15, 16, 17, 18 साल के जो बच्चे हैं, जो ये मुझे बताते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो समाज है वो मूव करना चाहिए, हम उनसे नहीं पूछते हैं। हमें लगता है तो बच्चे छोटे ही नहीं, क्या पता होगा, ऐसा नहीं होता है। वो भी अपनी एक समझ रखते हैं और उसके बाद उन्होंने यही बात उन्होंने मुझे भी बताई थी कि हम चाहे कितने भी लाख पढ़ लिख लें, लेकिन एक तकबा, एक वर्ग अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं बच्चे, तो ये बच्चे बड़े होकर जो है वो हम असुरक्षित महसूस रहेंगे। और ये बात मुझे सही भी लगती है तर्क के आधार पर। इसके अतिरिक्त एक कविता है, वो भी आपको मैं सुनाना चाहूँगी। मैं नमक पर चलने वाली स्त्री हूँ, ये कविता, मैं नमक पर चलने वाली स्त्री हूँ, इस कविता को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। संध्या सिंह जी, नमस्ते आपको। मैं इस कविता को यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। अभी मैं नमक पर चलने वाली हूँ स्त्री हूँ, ये कविता जी, धन्यवाद संध्या जी, मैं इस कविता को यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। माँ रात को चने भिगोती थी, मैं सुबह उन चनों में ढेर पानी पी जाने वाला मुँह ढूंढती। मैंने ऐसी चीज़ें बहुत की हैं, ये क्यों होता है, ये क्यों होती है, चीज़ें ऐसी क्यों होती है, ये प्रश्न जो हैं वो हमेशा हमारे मन में होने चाहिए, और नहीं हो तो हमको ये पैदा करने चाहिए अपने बच्चों में कि क्यों ऐसा हो रहा है। माँ रात को चने भिगोती थी, मैं सुबह उन चनों में ढेर पानी पी जाने वाला मुँह ढूंढती। मैंने ऐसे ही विज्ञान के हजारों बर्थडे मनाए, रसोई का विज्ञान में ट्रांसलेशन हर लड़की की आंख में अधिकार से दमकना चाहिए। संडे सुबह 8 बजे भाई क्रिकेट खेलने जाता, सड़क से चिल्लाता, लेट आऊंगी। इन दोनों के मध्य अरबों किलोमीटर की दूरी है, निश्चित रूप से लेट आऊंगा
और लेट आऊंगी इनके मध्य अरबों किलोमीटर की दूरी है। बहुत जल्दी सीख लिया मैंने, हम सभी के घर में गणित के जादूगर हैं जो लिंगों के आधार पर मैथ्स के सारे फॉर्मूले बदल सकते हैं। लहना सिंह की फोटोकॉपी किसी मोहल्ले में नहीं ढूंढी मैंने। उसने कहा था, कहानी का इश्क किसी देह में ट्रांसफर न हो तो अच्छा है। कुछ ख्वाबों का खालीपन, मृत्यु तक जीना चाहती हूँ। यही खालीपन मेरे आसमानी पंखों का उड़न सूत्र रहा है। मैंने गुलाब के बिंब वाली जुगाड़ फैक्ट्री में मजदूरी से इनकार किया है। मैं नवरात्रि में निर्भया के साथ मोमबत्ती बुझाकर दुर्गा सप्तशती के तर्क के धान दुर्गा सप्तशती में तर्क के धान रोपने वाली मजदूरन हूँ। एक नकली देवत्व मेरी हत्या की साजिश में दुअन्नी संलिप्त है। जान ले, मैं नमक पर चलने वाली स्त्री हूँ। नमक पर चलने वाली स्त्री जो हैं हम, ये भी मेरा व्यक्तिगत विचार है। अगर आप इससे सहमत हों, चाहे होते हों या नहीं होते हैं, ये एक अलग बात है। मुझे लगता है कि जितना भी हम स्त्री के बारे में बात करते हैं, जो भी हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है, जो बातें हैं वो अगर नेगेटिव रूप से होगी तो निश्चित रूप से समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन स्त्री, एक लाइन जो मुझे सबसे अच्छी लगती है और किसी और ने भी इसको कोट की थी कि रसोई का विज्ञान में ट्रांसलेशन, हर लड़की की आंखों में अधिकार से दमकना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि निश्चित रूप से लड़की और रसोई, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भारतीय समाज की बात है यहाँ पर, लेकिन रसोई में विज्ञान, रसोई का विज्ञान में ट्रांसलेशन, हर लड़की की आंख में अधिकार से दमकना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विज्ञान जो है वो निश्चित रूप से हमारी आंखें जो हैं वो खोलता है, फिर चाहे हम शिक्षित हों चाहे नहीं हों। लेकिन विज्ञान केवल किताब में ही नहीं है, हर तरफ है। इसके अतिरिक्त एक कविता जो मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगी, और भाषा के सरनेम नहीं होते, यही मेरी कविता का जो है वो शीर्षक है, टाइटल है, भाषा के सरनेम नहीं होते। और ये इस कविता में जो है एक लड़की है जुबेदा खान, और ये उसी पर आधारित है। लेकिन ये जो जुबेदा खान है लड़की, जिसके बारे में अभी मैं यहाँ पर कविता प्रस्तुत करूँगी, भाषा के सरनेम नहीं होते, ये लड़की मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी और नाम भी उसका ही मैंने लिया है, जुबेदा। यहाँ पर मैं इस कविता को प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। भाषा के सरनेम नहीं होते, वो भाषा जिनकी जिसकी पीठ पर उनकी पसंद का सरनेम नहीं था, वो भाषा जिसकी पीठ पर उनकी पसंद का सरनेम नहीं लड़का था, उसे एक इंटरव्यू में स्लिप डिस्क की आशंका घोषित कर घर जाकर आराम करने की सलाह दी गई। मेरे घर टीवी नहीं था। बुधवार 8 बजे चित्रहार देखने मैं जुबेदा बानो के घर जाती। उसके होंठ उस समय टाइपराइटर होकर पठती पठत पठंती कॉपी की जेब में भर रहे होते। 7वीं कक्षा में वो नालायक जुबेदा बानो गूढ़ ग्रामर की एकलव्या होकर शब्द रूप धातु रूप की एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़कर नाप आती संस्कृत के सारे नेशनल पार्क। कुछ सालों पहले ही भवभूति के काव्य में डूबकर कॉलेज कैंटीन में कॉफी समोसे घोल कर ठहाके लगाती। कभी लाइब्रेरी के रास्ते पाणिनि के साथ 7वीं शताब्दी के अष्टाध्यायी गलियों में भटकती। वो रंगमंच पर मेघदूत का पर्यायवाची होकर खुद कालिदास की आत्मा में बैठ जाती। पर मुझे आश्चर्य है, स्कूल से कॉलेज तक इन संस्कृत काव्यों ने और व्याकरण सूत्रों ने क्यों नहीं की कोई नौटंकी, विस्फोट या धरना प्रदर्शन जुबेदा बानो के खिलाफ। भवभूति कालिदास पाणिनि ने क्यों नहीं पूछा जुबेदा बानो का गली मोहल्ला उसके वाचन से पूर्व, शब्द रूप या धातु रूप ही चेक कर लेते। स्कूल में उसके धर्म का कॉलम क्या संस्कृत भाषा नहीं जानना चाहती थी?
क्या संस्कृत भाषा नहीं जानना चाहती थी? जुबेदा बानो की प्रार्थना वाली मुद्रा कि वो ईश्वर को हाथ उठाकर प्रेम करती है या हाथ जोड़कर प्रेम करती है, या उसके घर पर पकने वाली रोटियों का रंग क्या वो नहीं जानना चाहती थी? जुबेदा बानो के परदादा की मृत देह ने मिट्टी खाई है या आग खाई है? जुबेदा बानो के परदादा ने परदादा की मृत देह ने आग मिट्टी खाई है या आग खाई है? तुम इसे अफवाहों की रीढ़ में दर्ज कर सकते हो, पर भाषा के सरनेम आग और मिट्टी में कभी दर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि भाषा का कोई भी सरनेम नहीं होता। ये कविता मुझे बहुत प्रिय है, और क्योंकि संस्कृत एक विषय जो हमने साथ, मैंने और जुबेदा खान ने साथ में मिलकर पढ़ा था, और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां मैंने अपने देश में देखी, और उसके बाद अचानक से मुझे ये चीज़ याद आई जिसको मैंने कविता में बांधा था। इसके अलावा एक कविता मैं और यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारी जो कविताएं हैं वो एक बेचैनी पैदा करती हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है हमेशा, और कवि के लिए ज़रूरी भी होता है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं लिखते भी होंगे, लिखते ही हैं, तो वो मेरे लिए ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त एक और कविता जो यहाँ पर मैं प्रस्तुत करूँगी, मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी। मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी, ये इस कविता के साथ भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसी ने मुझे एक बार कहा था, अरे मैंने तो बहुत समय से चिड़िया ही नहीं देखी। तो बहुत समय से चिड़िया ही नहीं देखी, ये टाइटल मेरे दिमाग में बैठ गया, और फिर इस कविता को मैंने लिखा इस प्रकार से कि अगर हम वास्तव में ऐसा कभी हुआ कि हम चिड़िया नहीं देख पाए या पेड़ नहीं देख पाए तो क्या होगा, और मतलब किस प्रकार की स्थिति होगी, उसको मैंने इसमें बांधने की कोशिश की है। आप सुनिएगा, वास्तव में हम भाग रहे हैं। आज मैं कहीं गई थी और मैंने देखा कि पूरा शहर जो है वो पहिए लगाकर भाग रहा है, वो भी ऐसे समय में जब हम बहुत ही हमें घर में रहना है लोगों को, लेकिन उसके बाद भी सब भाग रहे थे। मैं भी भाग रही थी, मैं भी एक हिस्सा थी उसका, लेकिन भागते रहने के बाद अगर किसी दिन हम ये बैठ कर सोचें कि मैंने तो चिड़िया ही नहीं देखी, अरे मैंने तो पेड़ ही नहीं देखा, तब मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी समस्या को देख रहे हैं, उस समय देखने को मिल रही है, हम ये कह सकते हैं। मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी, ये कविता मैंने साल डेढ़ साल पहले लिखी थी, और ये भी तभी लिखी थी जब किसी ने मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी ने मुझे कहा था कि मैंने चिड़िया नहीं देखी। सुनिएगा, मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी, उसने ये नहीं कहा था कि मैंने कभी नहीं देखी, मैंने बहुत दिनों से नहीं देखी, यहाँ टाइटल को मैंने बदला है। अब की बार जो आंख की पलक का बाल टूटे उल्टी मुट्ठी पर रख मांगना दुआ, समय मिले कभी तो अपने मोबाइल की स्क्रीन से आजाद होकर तुम दो हरी पत्तियों की गुमटी किसी अनाथ जमीन पर आबाद करना, जिसके आगे तुम एक आंख वाला पानी का दिया जलाना, इस दिए को महाआरती की कोई भी जरूरत नहीं है, देखना ये आग गर्भवती होकर जनेगी ढेर हरे हरे बच्चे, फिर हरे बच्चों के स्कूल फॉर्म में तुम पिता के नाम वाले कॉलम में जंगल लिखना, जैसे तुम्हारा स्पर्श भी तुम्हारा व्यक्तित्व है, वैसे ही छूना जंगल से चिड़िया के संवाद को, जो रोज छोटी प्रार्थनाएं कर हरे ईश्वर उगाने में व्यस्त है। कई बरस बाद जब तुम्हारा बच्चा, और हमने ऐसा नहीं किया तो, कई बरस बाद जब तुम्हारा बच्चा विज्ञान की किताब में तितली पकड़ने की बेचैनी जिएगा, पेड़ की कहानी सुन हिंदी की कक्षा में रोएगा, और एक दिन चिड़िया के चित्र में मोम कलर भरते हुए चीखेगा, मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी, तब तुम बिना बाल काढ़े घर के चप्पलों में ही उसे कांधे पर चढ़ा
कंक्रीट के शहर से दौड़ना इन्हीं जंगलों की ओर, क्योंकि बच्चों की इस डरा चीख से डरावना कुछ भी नहीं कि मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी। गांधारी के बंधी आंखें होकर अपने भविष्य को चाबने से अच्छा है हमें हरी कमीजें पहन लेनी चाहिए। खुद को मिट्टी के किन्हीं गहरी दरारों में बोकर अब हमें पेड़ हो जाना चाहिए, अब हमें पेड़ हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है कहना कि पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा जंगल प्रिय, हर मतलब मेरी कोशिश रहती है कि हर संडे जो है वो मैं जयपुर के आसपास जितने भी जंगल हैं, एक हमारा ग्रुप है उसमें हम जंगलों में जाते हैं, और बारिश के समय हमने बहुत सारे बीज और बहुत सारे पेड़ लगाने की कोशिश भी करी है। हालांकि यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि उसमें उस प्रकार के पेड़ पनप नहीं पड़ते, पनपेंगे या नहीं पनपेंगे पता नहीं, लेकिन हाँ कोशिश रहती है। तो मुझे लगता है कि जंगलों से संवाद करना, पेड़ों से संवाद करना, चाहे महीने में एक बार हो चाहे दो बार, है बहुत ज़रूरी है कि जिस शहर के जिस सीमेंट में हम रह रहे हैं, कंक्रीट में हम रह रहे हैं, उससे बाहर निकलना जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी आगरा रोड, कभी नाहरगढ़, कभी आज जितने भी आसपास जगहें हैं जयपुर, हालांकि बहुत दूरी पर हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जंगलों से बातचीत करने, उनसे वार्तालाप करने, पेड़ों से बात करने, उन्हें छूने, उनसे उनकी तकलीफें जानने निकल पड़े, और ऐसी कोशिश हमें करती रहनी चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से जो ऑक्सीजन है वो अमेजन पर नहीं मिलेगा, हमें इन पेड़ों से ही मिलेगा, ये ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि बहुत सारी कविताएं हो चुकी हैं और बहुत सारी कविताएं मैं आपको सुना चुकी हूँ। ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का जो उत्तर है वो मुझे एक्चुअली में इससे मिला नहीं था पहले, तो वो लिंक टूट गया है। तो मैं आपको एक अंतिम कविता और सुनाती हूँ। ये कविता है, अच्छा पिता पर मेरी कविता, मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं। पिता मुझे मुझे लगता है कि अब इसको भी आप एक अलग तरीके से कैसे सोचते हैं पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है अपने विचार में कि पिता एक मुझे उपेक्षित लगे हैं हमेशा। हालांकि हमारा जो पर्सनालिटी है और जो हमारी सोच का तरीका होता है, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, वो सब विचारधारा होती है, वो सब हमारे उसकी जड़ें हमारे बचपन में हैं निश्चित रूप से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिता हमेशा हमेशा उपेक्षित रूप से मुझे दिखे हैं। मतलब हम किसी को भी, हम पिता को रोते हुए नहीं देख सकते, हम पिता को अपना दर्द सुनाते हुए हमने कभी नहीं देखा, या हमें लगता है कि पिता जो हैं, हालांकि इस पे बहुत बहस मेरी मित्रों से दोस्तों से हुई है, लेकिन ये मेरा पर्सनल थॉट है, अपना मेरा व्यक्तिगत विचार है कि निश्चित रूप से हमने, चाहे वो साहित्य में हो, ज़्यादातर मैंने साहित्य में देखा, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, पिता उपेक्षित दिखे हैं मुझे। जो चाहे उनके आंसू कह लो, चाहे उनके सुख कह लो, चाहे उनकी उनकी जो रुचियां हैं वो कह लो, चाहे उनके संवाद कह लो किसी मित्र के साथ, ये सारी चीज़ मुझे महसूस हुई बहुत लंबे समय तक। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं जो हैं वो मैंने लिखी पिता के लिए, पिता रोना चाहते हैं, या उदास है मेरे पिता, इस पे इसके लिए मेरे जो मित्र हैं उन्होंने इस पे बहस भी बहुत हुई कि ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अब हमारे कहना चाहिए क्या कहना चाहिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि अपने व्यक्तिगत जो आपको वातावरण मिलता है, वातावरण उसके आधार पर स्थितियां कैसी आपने भोगी हैं उस पर आधारित रहता है। तो जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि बैंक का जो काम है बहुत जल्दी मैंने सीखा, अभी तो नेट बैंकिंग है, लेकिन गुलाबी पीली पर्चियां, सफ़ेद पर्चियां भरने वाला काम मैंने बहुत जल्दी सीखा। मेरे घर में जो है, जो पहले वो फ्यूज़ आते थे सफ़ेद रंग, लेकिन वो फ्यूज़ लगाना मुझे बहुत अच्छे से आता था। जब मैंने प्रेस करना सीखा, बहुत लोहे की भारी प्रेस थी मेरे घर पे, तब मेरे पिता ने उसको पूरा खोल दिया, और उसके अंदर वो अभ्रक की प्लेट हुआ करती थी, प्लेट थी एक, और बहुत सारी चीज़ें मैंने वो सीखी। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्तित्व है पिता का,
वो मेरे लिए एक अलग है, हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी वो उपेक्षित हैं। और मैं जैसे स्त्री साहित्य आप कह सकते हो, स्त्री साहित्य में आप ऐसे उपन्यास भी हैं और कविताएं भी हैं, लेकिन मैंने पिता साहित्य जो है वो ऐसा भी नहीं देखा। मतलब हो सकता है मैंने पढ़ानी हो, लिखा भी हो कई लोगों ने, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कि पिता के ऊपर हम लिख रहे हैं कि माँ दुखी है या स्त्री दुखी है, उसने कष्ट सहन किए हैं, या वो विधवा उस पे लिखा गया हो, या वो उसने तलाकशुदा हो, या उसने विवाह नहीं किया पारिवारिक जिम्मेदारियों के तहत। ऐसे बहुत उपन्यास है, बचपन खंबे लाल दीवारें मेरा बहुत ही पसंदीदा ऐसा उपन्यास है, लेकिन पिता पे नहीं। तो मुझे हमेशा समाज में भी घर में भी, अच्छा घर जो है वो पिता सुबह आते हैं बैठते हैं, मतलब ऑफिस से आते हैं और बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर अपना काम धाम पे निकल जाते हैं, है ना। तो घर से भी जो जुड़ाव होता है सारा का सारा, वो पिता का उतना मुझे कभी दिखा नहीं। ठीक है, तो आगे मैं ऐसे ही एक कविता बोलना चाहती हूँ, 97 पेज नंबर है, यस। फिर एक दिन ये सारे लड़के पिता हो जाते हैं, अंतिम कविता मैं आपको सुनाती हूँ। फिर एक दिन ये सारे लड़के पिता हो जाते हैं, ये लड़के, ये बड़े होते लड़के रोना चाहते हैं कभी कभी दहाड़े मार कर, और पकड़ कर माँ के पल्लू को कहना चाहते हैं, बहुत दिनों से मन अच्छा नहीं है माँ, पर ना जाने क्यों कह नहीं पाते। ये लड़के कर लेते हैं दोस्तों में सारी ठिठोलियाँ, देते और लेते हैं बड़ी बड़ी सारी गालियाँ, पर ना जाने क्यों खोल नहीं पाते मन के दर्द दोस्तों के आगे, और अक्सर आँख के गीले कोनों को झट से सनग्लासेस के पीछे छिपा कर सिगरेट के छल्लों में उड़ा देते हैं, भर आए गले को बाइक की तेज स्पीड से दबा देते हैं। ये पिलड़के अब पिता के नाप से कुछ बड़े जूते व शर्ट पहनने लगते हैं, टकराते हैं उनसे बात ही बात में, बहस करते हैं उनसे, पर अब भी बगीचों में टहलना चाहते हैं पिता के साथ, पीठ पर अपनी फिर से शाबाशी की ढोल चाहते हैं, पिता के कंधों पे हाथ धर के छूना चाहते हैं आसमान, पर न जाने क्यों कह नहीं पाते। ये लड़के अब छोड़ो पापा कहकर राशन के भारी थैले उठाने लगते हैं, पानी और बिजली के बिल जिम्मेदारी से भरने लगते हैं, पानी भरती माँ से मटके छीन लेते हैं और कुर्सी पर बिठा कर उनको आराम करने की सलाह देते हैं। ये लड़के देखते ही देखते भूल जाते हैं हुड़दंगी चौराहों को, भूल जाते हैं अपनी बाइक को, तेज रफ्तार को, गुलाबी आँखों को, गिफ्टेड गिटार को, गैर जिम्मेदार शाम को, बेपरवाह रात को। ये लड़के अब खपने लगते हैं महीने के वेतन में, भूल कर अपने सपनों को, न जाने कब ये लड़के घर के बड़े से बरगद हो जाते हैं, घर के बड़े से बरगद हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि लड़के जो पिता हो जाते हैं, घर के बड़े हो जाते हैं, फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम स्त्री के लिए ही कहते हैं, लड़की के लिए ही कहते हैं कि सब चीज़ें खत्म हो गई या विवाह हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जो जिम्मेदारियां उठाने के बाद लड़कों के साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, और ये भी एक पक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये कविताएँ सुनी।